चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय कैपिटल आर इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर ए एंड बी इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दो नंबर लेने हैं ए एंड बी, कहाँ से लेंगे तो कैपिटल आर में से, और उनका जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में लिखेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर इफ फर्स्ट नंबर वो तो एज इट इज रहेगा, सेकंड नंबर का हम 3 पावर करेंगे और वो जो 3 पावर है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए या तो फिर इक्वल, तो फिर हम ए एंड बी का ऑर्डर पेयर आर में लिखेंगे। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों प्लेस पर ए रहेगा, ए का इटसेल्फ के साथ पेयर। अब हम एक इंटरवल के बारे में जानते हैं, ओपन इंटरवल 0 1। अगर यहाँ से हम कोई भी नंबर लेंगे और जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर स्मॉल होता जाएगा। मतलब कि अगर हमने बिटवीन 0 एंड 1 कोई नंबर लिया, मान लो कि वो ए है, फिर उसका हमने स्क्वायर किया, फिर उसका हमने क्यूब किया, तो जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करेंगे नंबर स्मॉल होता जाएगा। तो अगर हम ए बिटवीन 0 एंड 1 से लेंगे तो फिर ये इनइक्वालिटी जो है या तो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या किया, ए के साथ ए का पेयर, तो मान लो कि ए हमने ले लिया 1/2, बराबर, तो 1/2 के साथ 1/2 का पेयर चेक कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है 1/2, दूसरा नंबर क्या है तो वो भी 1/2 है, हमें किसका किसका कितना पावर करना है 3 पावर, तो यहाँ पर हमने कर लिया 1/2 रेस टू 3 पावर, तो 1/2 रेस टू 3 पावर दैट इज 1/8। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला नंबर तो 1/2 है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 2, सेकेंड में 1/8 है तो डिनोमिनेटर ग्रेटर हुआ, जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे होल नंबर स्मॉल होता जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर, बराबर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 क्यूब। इट मीन्स हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन को तो ये जो ऑर्डर पेयर है 1/2 1/2 वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब 1/2, 1/2 ये रिलेशन आर का मेंबर नहीं है, और अगर ये रिलेशन आर का मेंबर नहीं है तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बराबर, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जितनी भी ऑर्डर पेयर आर में है उन सबका फ्लिप हमें चेक करना होता है। ओके, तो हमने सबसे पहले तो एक पेयर ले लिया 1 2, अब ये जो 1 एंड 2 का पेयर है वो डेफिनेटली आर में आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि पहला नंबर तो हमने 1 लिया है, दूसरा नंबर 2 है, तो उसका क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब 8 होता है, तो हमारी जो कंडीशन है उस हिसाब से ये ऑर्डर पेयर आर में आएगा। अब अगर हमने फ्लिप कर दिया, मान लो कि 2, 1 के बारे में फ्लिप किया, तो इसके बारे में चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है इधर। तो पहला नंबर लिखना है मतलब कि 2, सेकेंड नंबर का क्या करना है 3 पावर, तो 1 का क्यूब कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि 2 एंड 1 क्यूब में बड़ा कौन है, तो यहाँ पर तो 2 ग्रेटर है, हमने तो क्या बोला था कि जिसका क्यूब करेंगे ना वो बड़ा होना चाहिए, बराबर, तो 2 एंड 1 ये जो पेयर ली थी हमने वो हमारी कंडीशन जो है रिलेशन की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब दिस वन इज नॉट इन आर, और अगर ये आर में नहीं है तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब आएगा ट्रांजिटिव, चलो तो ट्रांजिटिव चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब ट्रांजिटिव में होता क्या है, तो हमें ये चेक करना होता है कि ए एंड बी का पेयर, फिर हम बी से एक नया पेयर स्टार्ट करते हैं बी सी, बराबर, और फिर हमें ऑर्डर पेयर ए एंड सी के बारे में चेक करना होता है। तो शुरुआत करते हैं, पहला तो हमने एक पेयर लिखा 9 और 3 का पेयर, बराबर, ये 9 एंड 3 का जो पेयर है वो आर में आ जाएगा। क्यों, बिकॉज आप ऐसे सोचो कि पहला नंबर तो 9 लिया है, दूसरा नंबर 3 है, तो उसका हमने क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कितना होता है तो 27, तो 27 जो है वो 9 से बड़ा है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर हम आर में लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट पेयर कहाँ से चालू करनी पड़ेगी, तो 3 से, तो हमने 3 से एक ऑर्डर पेयर स्टार्ट की और 2 पे उसको ख़त्म किया, तो 3 2 का जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग्स टू आर आएगा। इसका आप रीज़न कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि देखो पहला नंबर तो 3 है और दूसरा नंबर है 2 का क्यूब, बराबर, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये पेयर आर में लिख दिया। तो यहाँ पर 9 3 3 2 है, तो हमें चेक किस ऑर्डर पेयर के लिए करना चाहिए, 9, 2 के लिए, बराबर। अब 9, 2 के लिए चेक करते हैं, तो पहला नंबर तो 9 है,
दूसरा नंबर का क्या करना है हमें, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कर लिया हमने, तो ये हो गया 8। अब 9 एंड 8 में बड़ा कौन है, तो ये तो 9 बड़ा है। हमारी कंडीशन तो ऐसी थी कि ए एंड बी का पेयर है, तो ए जो है वो बी क्यूब से लेस या तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इधर हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड नॉट बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि हमको कैसे पता चल गया कि 9 3 एंड 3 2 ले लें, तो इधर हमने ये देख लिया कि हमें पीछे का जो नंबर है उसका क्या करना है, क्यूब करना है, बराबर बी का 3 पावर करना है। तो ऐसा सोच समझ के हमने ऐसा किया कि चलो 1 2 3 ऐसे कुछ देखते हैं, तो हमने पहले 1 का क्यूब किया तो वो तो 1 ही आएगा, फिर 2 का क्यूब 8 होगा। तो जैसे ही हमें पता चला कि 2 का क्यूब 8 होगा, तो हमने क्या किया, जानबूझ के जो पहला नंबर है ना वो 8 से बड़ा रख दिया, बराबर 8 से बड़ा रख दिया, मतलब कि यहाँ पर 9 कर दिया। ऐसे ही आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं 3 का क्यूब की बात करता, बराबर 3 क्यूब तो 27, तो जानबूझ के हम यहाँ पर 27 से बड़ा मतलब 28 नंबर रख के फिर चले जाते, ओके। तो ऐसा करके आप अपने हिसाब से पैर एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में है शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3, मतलब रिलेशन डिफाइन किया गया है 1 2 3 पर गिवन बाय आर। तो इसमें रिलेशन में आपको ऑलरेडी ऑर्डर पेयर दी गई है, एक तो ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर दिया है 2 1। इट्स सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है उसमें से हमने एक नंबर लिया 1, ये जो 1 है वो सेट 1 2 3 का मेंबर है। अब अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, तो जितने भी मेंबर जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट के जितने भी मेंबर हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने एक नंबर लिया 1, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3। अब हमने 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर बनाया, तो 1 कॉमा 1। अब ये जो ऑर्डर पेयर है वो तो हमें आर में नहीं दिया गया है, बराबर, तो 1 1 इज नॉट इन आर, और हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल चुका है, बराबर। वैसे तो 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, बट एक एलिमेंट ही हमारे लिए तो काफी है। तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, जितने भी आपके रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं उन सब का फ्लिप वापस आर में आना चाहिए। तो हमारे पास आर में सबसे पहली ऑर्डर पेयर 1 2 दिख रही है, बराबर, तो 1 2 का ऑर्डर पेयर आर में है। अब इसका फ्लिप चेक करना पड़ेगा, तो इसका फ्लिप क्या होगा, 2 1, तो 2 1 आप देख सकते हैं आर में प्रेजेंट है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो एक ऑर्डर पेयर हमने देखा 1 2, तो उसका फ्लिप 2 1 आर में है। अगर हम 2 1 की बात करेंगे तो 2 1 का फ्लिप क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। और अगर हम 2 1 बिलोंग्स टू आर लेंगे, बराबर, और उसका फ्लिप करेंगे तो उसका फ्लिप 1 2 होगा, तो बिलोंग्स टू ये भी आ रहा है। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए हमें चेक करना होता है, बराबर, तो 1 2 के लिए फ्लिप किया तो 2 1 आया, 2 1 का फ्लिप क्या होगा, 1 2 होगा, बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आर है वो सिमेट्रिक है। अब कोई ऐसा बोलेगा कि मैं सिर्फ 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर लेके छोड़ दूंगा, तो बिल्कुल वो भी चलेगा, बराबर, क्योंकि 1 2 का फ्लिप अगर 2 1 अंदर है तो फिर 2 1 का फ्लिप 1 2 तो डेफिनेटली अंदर होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो ए बी बी सी, बराबर, ए बी बी से नया पेयर चालू करेंगे और चेक करेंगे ए एंड सी का पेयर। तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर पेयर दिया है 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या कोई 2 से नया ऑर्डर पेयर चालू हो रहा है, तो बिल्कुल, हमें एक और ऑर्डर पेयर दिया गया है 2 1, तो 1 2 आर में है, 2 1 ये भी आर में है, तो इसका मतलब अब हमें चेक करना पड़ेगा 1 के साथ 1 का पेयर। तो 1 के साथ 1 का पेयर वो तो आर में नहीं है, बराबर, तो 1 1 इज नॉट इन आर, और 1 1 आर में नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ओके।